एक समय आप लोगों ने सुना होगा कि गांधी ही ने लाठी से और अहिंसा का रास्ता अपना के अंग्रेजों को हमारे देश से खदेड़ दिया। आज की जो परिस्थिति है उसे देख लीजिए आप लोग। आज जानवर और लाठी से आप जानवर नहीं भगा सकते हैं। आज अहिंसा की बात करते हैं आप लोग। आज इस परिस्थिति में मुझे नहीं लगता है कि अहिंसा कहीं आपकी सक्सेस हो पाएगी, आपको सफलता मिल पाएगी। आज वो परिस्थिति बन चुकी है कि आपके गाल पर एक तमाचा किसी ने जड़ा, दूसरा कर दीजिए, दूसरे पर भी जड़ देगा कोई। समझ रहे हैं? परिस्थिति बदलती रहती है। जैसे आप एक समय पर 2G यूज किया करते थे इंटरनेट, फिर आपने देखा 3G, फिर आपने देखा 4G, फिर आपने देखा 5G। ये अलग बात है कि आपके हमारे देश में अभी 5G की सुविधा हम लोगों तक नहीं पहुंची है, ठीक है? बाकी देश दुनिया में क्या चल रहा है दुनिया में, ये अलग बात है। तो इसी तरह आप देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति हुई है। अगर हम पहली औद्योगिक क्रांति की बात करें आप लोगों से, तो आपने देखा होगा कि जल व भाप की शक्ति से पहली क्रांति जो औद्योगिक क्रांति है ये शुरू हुई थी। फिर अगर दूसरी औद्योगिक क्रांति की बात करें तो ये विद्युत ऊर्जा से शुरू हुई थी। तीसरी अगर हम लोग बात करें तो ये क्या इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित थी। और चतुर्थ यानी कि चतुर्थ औद्योगिक क्रांति की बात करें या फिर उद्योग 4.0 4.0 की, तो ये आप देखेंगे किस पर आधारित है, ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है। एक बात हमेशा याद रखिए, अब आगे चल के आपके डायरेक्ट आमने सामने वाले युद्ध खत्म हो जाएंगे, इस तरह के युद्ध नहीं लड़े जाएंगे। आज आप देखेंगे कि अंतरिक्ष में अंतरिक्ष युद्ध हो रहे हैं। समझ रहे हैं? अंतरिक्ष में आपका कोई सैटेलाइट है, उसे कोई मार गिराएगा या आप किसी के सैटेलाइट को मार गिरा देंगे, एक तरह से कनेक्शन टूटेगा और आप हार जाएंगे। इसी तरह के युद्ध आगे लड़े जाएंगे। समझ रहे हैं? तो चलिए इसमें खास तौर पर हम लोग उद्योग 4.0 या चतुर्थ औद्योगिक क्रांति के बारे में जान लेते हैं। एक समय आप लोग देखते थे कि किसी काम को करने के लिए कितने अधिक मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। आज वही काम आप देखते हैं एक मशीन कर देती है। एक समय हुआ करता था कि आप लोग 100 किलोमीटर दूर भी जाना है आपको तो 1 से 1.5 दिन लग जाता था। आज आप देखिए हजारों किलोमीटर की दूरी कुछ ही घंटों में पार हो जाती है। तो एक तकनीकी एक तरह से बदलना चाहिए, हमें परिस्थितियों के साथ बदलते रहना चाहिए। विश्व अत्यंत तीव्रता से औद्योगिक क्रांति के चतुर्थ चरण में प्रवेश कर रहा है, फोर्थ स्टेज में। यह परिवर्तन वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के परिवर्तन का कारक सिद्ध होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं और मेंस में आप पूछे जाते रहेंगे, ठीक है? आगे भी आएंगे, आप देखेंगे कि आगे इस तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि हम लोग अब डाटा औद्योगिक क्रांति इस तरह के मेन मुद्दे ही है। किसी देश को अगर आगे ले जाना है तो यही मेन मुद्दे होने चाहिए। आपके देश की अलग हमारे देश की अलग बात है कि यहाँ गरीबी और शिक्षा स्वास्थ्य को छोड़कर कि क्या मुद्दे होते हैं, जातिवाद या फिर कोई खास आप सोचिए कि चुनावी मुद्दा बना के वोट बैंक बटोर लिया जाता है। बिहार का चुनाव देख लीजिए आप लोग, एक मुद्दे पर पूरा खत्म होने वाला है। वहां आप देखते हैं शिक्षा के मामले में बिहार पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के मामले में देख लीजिए, महिलाओं की स्थिति, गरीबी, इससे कोई लेना देना नहीं है वहां के चुनाव का। आपने देखा है सुशांत का मामला ले लिया है, उसी पर पूरा चुनाव खत्म। बेचारा मतलब जो व्यक्ति मर गया उसकी मतलब उसकी एक तरह से मौत पर भी ये राजनीति खेल जाते हैं। समझ में आए? और आज आप भी तो देखते हैं कि आपके लिए डाटा कितना महत्वपूर्ण हो गया है। आप लोग तीन तीन चार चार पासवर्ड तरह के लगाते हैं, समझ रहे हैं? लगाया भी करिएगा, आप देख रहे हैं आए दिन सुनते रहते हैं कि हैक हुआ, ये हो गया, हैक हो गया। और ATM कार्ड के बारे में हमेशा याद रखिए, बैंक की तरफ से कभी भी आपसे ना तो ATM कार्ड का नंबर पूछा जाएगा ना ही पिन नंबर। तो इसके लिए आप लोग हमेशा एक तरह से जागरूक रहिए, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं फ्रॉड हो रहा है इस तरह से, ठीक है? जो अनपढ़ होता है या कम जागरूक होता है बहुत बहुत जल्दी फंस जाता है इसमें। उद्योग 4.0 विनिर्माण उत्पादन और संबंधित उद्योगों और मूल निर्माण प्रक्रियाओं का डिजिटल परिवर्तन है। उद्योग 4.0 का उपयोग चौथी औद्योगिक क्रांति के साथ किया जाता है तथा यह औद्योगिक एक नए चरण का प्रतिनिधित्व कर औद्योगिक मूल्य में मूल श्रृंखला को नियंत्रित करता है। साइबर फिजिकल सिस्टम उद्योग 4.0 जैसे स्मार्ट मशीनों का आधार बनाते हैं। आपने अभी भी देखा होगा आपने कि कई तरह के साइबर हमले भी होते रहते हैं। इसमें आधुनिक नियंत्रण प्रणालियों का उपयोग होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम एम्बेडेड होते हैं और IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स
के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। इतना है कि हमारे जैसी सोच विकसित नहीं हो पा रही है, वरना आप सोचिए कि सोच अगर हम जैसी डाल दी जाए, सॉफ्टवेयर आपने देखा है रोबोट बन चुके हैं। अब अगर दिमाग अपने मन से काम करने लगे वो बिना हमारे डायरेक्शन दिए, तो आप सोचिए एक तरह से मानव का विकल्प खोज लिया जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? और तो सभी तरह से आप देख रहे हैं रोबोट हर तरह से वैसा ही है, बस अपनी सोचने अपनी तरह से सोचने की क्षमता उसके अंदर अभी नहीं जा रही है। लेकिन ये भी हो रहा है, कृत्रिम AI आप सुनते रहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा इस तरह की तकनीक भी विकसित की जा रही है। इंटरनेट के द्वारा उत्पादों और उत्पादन के साधनों को नेटवर्क मिलता है जिससे वे संचार कर सकते हैं, जिससे उत्पादन के नए तरीके, मूल निर्माण और वास्तविक समय का अनुकूलन हो सकता है। साइबर फिजिकल सिस्टम स्मार्ट कारखानों के लिए आवश्यक क्षमताओं का निर्माण करते हैं। ये वही क्षमताएं हैं जिन्हें हम इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे रिमोट मॉनिटरिंग या फिर ट्रैक एंड ट्रेस के नाम से जानते हैं। इस प्रकार उद्योग 4.0 मशीन लर्निंग या फिर तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता को संदर्भित करता है। एक समझिए आप लोग, कृत्रिम मतलब एक तरह से बनी बनाई बुद्धि यानी कि दिमाग के बारे में बात की जा रही है। आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि एक तरह से आपके दिमाग है ना, जैसा कि आप सोच सकते हैं अपने मन से सब कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा भी दिमाग एक समय आप सोचिए हो सकता है। देखिए कोई भी संभव, सब कुछ संभव है इसमें। तो अगर इसका विकल्प अगर ढूंढ लिया जाता है तो हमारा आपका कई क्षेत्रों में काम खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? अगर हम चतुर्थ औद्योगिक क्रांति के प्रमुख स्तंभों की बात करें या आधार की बात करें, तो यह मुख्य रूप से इंटरनेट ऑफ थिंग्स के उपयोग के माध्यम से कारखानों में कि डिजिटलीकरण या फिर स्वचालन पर आधारित है। इसके अलावा इसे साइबर भौतिक प्रणालियों के साथ जोड़ा जाता है। ये सिस्टम स्वायत्त प्रकार की सिस्टम होंगे जिसमें स्वयं निर्णय लेने की क्षमता भी होगी। आप समझ रहे हैं, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता होगी। इनमें मशीन लर्निंग को लागू करना होगा और इसमें वास्तविक समय में डेटा भी एकत्रित करेगा जिसका विश्लेषण और क्लाउड में सहेजा जाएगा। अगर उद्योग 4.0 यानी कि 4.0 निम्न आधारों पर निर्भर होगा। कौन कौन से आधार हैं, याद रखिए सभी पॉइंट आप लोग आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं और प्रीलिम्स में पूछिए अगर आपका कथन के रूप में, तो आप इन्हें अच्छे से याद रखिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, बिग डेटा और डेटा एनालिटिक्स, संवर्धित वास्तविकता यानी कि वास्तविक दुनिया का एक आभासी प्रतिनिधित्व, साइबर स्पेस, सहयोगी रोबोट, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G नेटवर्क। एक समय ऐसा आएगा, आप लोग सोचिए कि आज आपको छुट्टी मिलती है तो आप एक शहर से दूसरे शहर या कहीं किसी भी आप पर्यटन स्थल पर जाते हैं घूमने के लिए। अब ऐसी बात की जा रही है कि आप देखें अंतरिक्ष पर्यटन भी होगा, मतलब अंतरिक्ष में भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। समझ रहे हैं? और आप देखेंगे कि रोबोट की इस तरह की व्यवस्था हो रही है कि आप समझिए कि जैसे पाकिस्तान और हमारा बॉर्डर है, वहां हम हजारों तरह की, आप सोचिए कि हमारे हजारों सैनिक लगे हुए हैं, तो क्या किया जाएगा कि एक समय आने के बाद रोबोट लगा दिए जाएंगे, उसके बाद पहले मैन, जहां आप सोचिए कि हमारे पीछे सैनिक रहेंगे, आगे रोबोट, अगर कोई खतरा होता है तो सबसे पहले रोबोट रहेंगे। समझ रहे? इस तरह की व्यवस्था भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। या फिर आप देखते हैं कि आग लग जाती है कई जगह, वहां आप सोचिए कि किसी का आ जाना पाना संभव नहीं होता है, तो वहां भी रोबोट से हम लोग काम ले सकते हैं। एक आप देखते हैं कि गंदगी को साफ करने की बात की जा रही है, इससे आप देखते हैं हमारे हजारों मजदूरों की जान भी जाती है जो लोग होते हैं ये काम करते हैं, तो उस व्यवस्था में भी हम लोग रोबोट का उपयोग कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो आने वाला वक्त बताएगा, देखिए आप लोग भी बदलते रहिए। औद्योगिक क्रांति 4.0 राज्यों और विश्व व्यवस्था की शक्ति को कैसे प्रभावित कर सकती है? तो यह भी राज्यों की शक्ति अवधारणा को परिभाषित करने के लिए एक बहुत ही जटिल और कठिन लेकिन कारकों की एक उचित संख्या से प्रभावित होकर एक सूत्र की स्थापना की गई है। कौन सा सूत्र है? P=C+E+M, फिर आप देखेंगे (S+W)। इसमें P क्या है आपका, किसे इंगित करता है? राज्य शक्ति को। C किसे इंगित करता है? जनसंख्या, संसाधनों और क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण निर्माण को। E किसे बता रहा है? आर्थिक क्षमता को। M सैन्य क्षमता, S राज्यों का रणनीतिक उद्देश्य और W राष्ट्रीय रणनीतिक रणनीतियों को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प अर्थात किसी राज्य की शक्ति को इंगित करता है। इस सूत्र को भी याद रखिए।
यह दर्शाती है कि वह राज्य अपने मूल संसाधनों अर्थात जनसंख्या, सैन्य क्षमता तथा आर्थिक क्षमता का किस रणनीति तथा इच्छा शक्ति के साथ प्रयोग करता है। उपयुक्त सूत्र को देखते हुए यह स्पष्ट है कि औद्योगिक क्रांति 4.0 मूर्त और अमूर्त दोनों को प्रभावित करेगी। प्रासंगिक स्रोतों के व्यापक शोध के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि फोर यानी चारवीं चौथी औद्योगिक क्रांति इन कारकों को पहले से ही प्रभावित कर रही है। भविष्य में इनका प्रभाव और बढ़ेगा। क्या होगा? और बढ़ेगा। बाकी आप देखेंगे, देखिए आपके देश में हम लोग बहुत पीछे रहते हैं, वरना अमेरिका में आप देखेंगे ये बहुत पहले शुरू हो चुकी है। चौथी औद्योगिक क्रांति 2010 के करीब शुरू हो चुकी थी वहां, तो ये देखने को मिलता रहता है। देखिए हम लोग हमेशा, अभी आप देखिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है, अभी 4G आया हुआ है। बाकी देशों में आपने देखा है बहुत पहले 4G आ चुका था। कारकों की यथेष्ट उपयोग के तरीके। कोई देश अपने राज्य संसाधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, ज्ञान का उपयोग कैसे करेगा तथा उस देश के द्वारा किस किन संसाधनों का उपयोग किया जाता है। चतुर्थ औद्योगिक क्रांति की संभावनाओं को भुनाने के लिए राज्य की जनसंख्या किस प्रकार शिक्षित होती है होते हैं तथा उनके पास श्रम को प्रशिक्षित और उपयोग करने की कौन सी रणनीति है। आप समझिए, एक समय ऐसा आएगा कि अगर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं तो उनका कोई, आप सोचिए, कुछ किसी लायक भी नहीं रहेंगे वो। आज भी तो आप देखते हैं कि आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा कि झुककर देखते हैं कि ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है। वहीं आप पढ़े लिखे होते हैं तो क्या करते हैं, अपने मोबाइल पर चेक करते रहते हैं कि आखिर वो ट्रेन कहाँ पहुंच चुकी है। तो ये भी देखने को मिलेगा। और याद रखिए, मानव संसाधन कहने का सीधा सा मतलब होता है कि आप लोग क्या क्या करें, शिक्षा दें उन्हें, स्वास्थ्य की व्यवस्था करें। जैसे आप मान लीजिए कि किसी बच्चे को आप देख रहे होंगे कि वो बस्ती में रहता है या गरीबी में रहता है, आप उसे शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, वो खुद अपने आप पैरों पर खड़ा हो जाएगा और अपने परिवार को भी आगे बढ़ाएगा और देश को भी आगे बढ़ाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? और वहीं सोचिए कि आप लोग की उस परिस्थिति में ना रखा जाए, उस बच्चे को वहीं डाला रहने दिया जाए, तो वो आगे किस तरह, मतलब किस तरह का मानव संसाधन होगा, आप बेहतर समझ सकते हैं। और अधिकतर हमारे यहाँ की जनसंख्या इसी में है, इसी तरह के, आप सोचिए, पिछड़ेपन में जी रही है। उन्हें शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था दूर दूर तक नहीं दी जाती है। सरकारी स्कूलों का आप लोग हाल जानते हैं, सरकारी हॉस्पिटलों का हाल आप लोग बेहतर जानते हैं, ठीक है। आज आप सोचिए, जापान दो बार परमाणु बम 1945 में आपने देखा है, दो बार परमाणु बम झेलने के बाद विकसित देशों की सूची में जा खड़ा हुआ है। तो वहां कहा जाता है कि मानव संसाधन ही मैन उसकी एक तरह के पावरफुल बनने की या शक्तिशाली बनने की या विकसित देश बनने की, मानव संसाधन ही एक तरह से मेन आधार है उसका। संसाधनों को आर्थिक और सैन्य संसाधनों में बदलने की राज्य की क्षमता, जिसमें बाहरी स्थान पर आर्थिक और सैन्य गतिविधियों का विस्तार भी शामिल है। विश्व व्यवस्था की नई स्थिति में लाभकारी तरीके से भाग लेने के लिए कूटनीति और विदेशी संबंधों का उपयोग करने की दक्षता और प्रभावशीलता, नेतृत्वकर्ताओं की निर्णय क्षमता तथा लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने के बिंदु तक सूचना उत्पन्न और प्रसारित करने की क्षमता। उद्योग 4.0 तथा राज्य शक्ति के सूत्र के आधार पर विश्व के विभिन्न देशों की स्थिति की बात करें तो इस समय विश्व परिवर्तित हो चुका है। जिस प्रकार प्रथम औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में हुई थी, कारखानों और मशीन से उत्पादन का प्रारंभ हुआ था, अथवा दूसरी औद्योगिक क्रांति जो अमेरिकी नेतृत्व में आगे बढ़ी थी नवीन ऊर्जा प्रयोग का, तीसरी औद्योगिक क्रांति की बात करें तो कंप्यूटर का आविर्भाव के समय विश्व के शक्ति केंद्रों की संख्या कम थी, और परंतु बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बढ़ती तकनीक और बढ़ता उपभोक्तावाद के कारण यह स्थिति बदल चुकी है। विश्व के पटल से अमेरिका ब्रिटेन का एकाधिपत्यता समाप्त हो चुकी है और भारत, चीन, दक्षिण कोरिया जैसे देश आगे आ चुके हैं। वर्तमान में विश्व संक्रमण काल से के दौर से गुजर रहा है, यानी कि COVID-19, या विश्व ना ही 1945 से 91 की दौर की तरह द्विध्रुवीय है तथा ना ही अमेरिका द्वारा नियंत्रित विश्व है। कहने का सीधा सा मतलब है कि आप समझते थे कि सीप युद्ध चलता था, एक तरफ महाशक्ति के रूप में रूस था, सोवियत संघ, दूसरी तरफ आप देखते थे अमेरिका था। समझ रहे हैं? 1991 में आपने देखा है कि सीप युद्ध खत्म होता है, रूस का विघटन भी हो जाता है, और आज आप स्थिति सोचिए कि वो अमेरिका जो शक्तिशाली अमेरिका हुआ करता था। ऐसा कहा जाता था कि अगर अमेरिका को
छींक आ जाए तो आप समझिए कि दुनिया को सर्दी हो जाती है, जुखाम हो जाता था, इतना शक्तिशाली हुआ करता था। आज परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। अमेरिका वो अमेरिका नहीं रहा है। अब आप देख रहे हैं कि रूस भी उठ रहा है, आप देखेंगे चाइना भी उठ चुका है, आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ आप लोग मुड़ के देखिए, आप देखिए भारत को भी कहीं देख सकते हैं आप लोग, भारत भी अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है। तो अब विश्व में अमेरिका, रूस, चीन, भारत, यूरोपीय संघ जैसे कई शक्ति के केंद्र स्थापित हो चुके हैं। 2008 की मंदी के उपरांत संरक्षणवाद की बाढ़ ने कई परिवर्तनों को जन्म दे दिया। संरक्षणवाद से प्रेरित होकर जहां अमेरिका विश्व के अन्य देशों संस्थाओं से अपनी सहायता के साधनों को वापस करा है, वहीं चीन का IMF, विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे संस्थाओं में दान का प्रतिशत बढ़ रहा है। आप समझते थे कि एक समय दानकर्ता, जो WHO की बात कर लीजिए, फिर चाहे IMF की देख लीजिए, UN की देख लीजिए, अमेरिका हुआ करता था, लेकिन अब परिस्थिति बदल रही है। अब आप चीन को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। एक तरह से आप कहिए कि अमेरिका जहां से भी अपना पैर पीछे खींचता है, चाइना उसे अपना गढ़ मान लेता है। समझ रहे हैं? तो चाइना अब महाशक्ति बनने की होड़ में लगा हुआ है। और एक बात और याद रखिए आप लोग, कहा जा रहा है ऐसा कि कुछ समय के बाद चीन GDP के मामले में नंबर वन पर पहुंच जाएगा। समझ सकते हैं आप, ये हालत देखी जाएगी। और एक बात और याद रखिए, आज अगर भारत का साथ दे रहा है अमेरिका, तो सिर्फ इसलिए दे रहा है क्योंकि चाइना को रोकना है आगे बढ़ने से। वरना एक समय ऐसा हुआ करता था कि चमेर अमेरिका चीन और पाकिस्तान का साथ दिया करता था, रूस हमारा मित्र हुआ करता था। आज बिल्कुल परिस्थिति बदल चुकी है, रूस हमसे दूर होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि हमारी नजदीकियां अमेरिका की तरफ बढ़ रही है। तो देखिए एक तरह से अमेरिका बहुत मतलबी दोस्त की तरह है, समझ रहे हैं आप लोग? हो सकता है कल हमें रोकने के लिए वो चाइना के साथ मिल जाए। तकनीकियों के विषय में जहां चीन, दक्षिण कोरिया जैसे देश अग्रणी हो रहे हैं, वहीं पुरानी शक्तियां या अर्थात फ्रांस, ब्रिटेन अब पिछड़ रहे हैं। भारत ने अब अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया तथा अंतरिक्ष की भी महान शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। किसकी बात कर रहा हूं? भारत की। इस परिस्थिति में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग भी निरंतर बढ़ रही है, जो विश्व व्यवस्था को परिवर्तित करने के संदर्भ में है। याद रखिए इसमें क्या होते हैं कि 15 सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, UN का भाग है। इसमें आप देखेंगे कि 5 सदस्य आपके स्थायी होते हैं, 10 इसमें अस्थायी सदस्य हैं। इस बार आपने देखा है 8वीं बार भारत चुना गया है अस्थायी सदस्य में, 21-22 के लिए, 2021-22 के लिए। तो 5 जो सदस्य हैं इन्हें वीटो पावर मिली हुई। कैसी वीटो पावर मिली हुई? वीटो पावर का मतलब यह है कि कोई प्रस्ताव आता है, अगर आप कहेंगे कि उस प्रस्ताव पर अगर 5ों सहमत हैं तभी वो प्रस्ताव पारित होगा, पास होगा। अगर एक भी देश उसके विरोध में है तो आप समझिए कि वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। आप लोग देखते रहते थे मसूद अजहर के नाम पर, आपने देखा है हर देश हमारे 5 देशों में से, जैसे 5 देश कौन कौन से हैं? चीन, रूस, फ्रांस, UK, USA, इन 5 देशों को वीटो पावर मिली हुई है। 4 हमारे पक्ष में रहते थे लेकिन चाइना हमेशा ऊपर उस पर वीटो पावर कर देता था। लेकिन आपने बाद में देखा है कि अमेरिका पर भी क्या रहा, दबाव डाला गया। उसके बाद ही हम लोगों ने अजहर मसूद को आतंकवादी सूची में डाला गया। कई विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि चतुर्थ औद्योगिक क्रांति का केंद्र चीन होगा। ऐसे स्थिति में चतुर्थ औद्योगिक क्रांति में विश्व व्यवस्था को परिवर्तित करने की क्षमता है, और भारत तथा औद्योगिक क्रांति 4.0 यानी कि 4.0 संपूर्ण विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में एक तीव्र तकनीकी बदलाव हो रहा है। उन्नत विनिर्माण तकनीकों को समझने और तथा स्वीकारने की आवश्यकता है। यदि करने में भारत असफल रहा तो भारत का जनसांख्यिकीय वर्धन जनसांख्यिकीय अभिशाप में परिवर्तित हो जाएगा। वर्तमान समय में उद्योग 4.0 की विभिन्न स्तरों पर बात की जाती है। एक बात और आपको बताऊं, कहा जाता है ऐसा कि 21वीं जो सदी है एशिया की सदी, एक तरह से आप कहिए भारत और चीन की सदी कहा जाता है, लेकिन आप देख रहे हैं चीन और भारत में बन नहीं रही है, क्योंकि भारत और चीन के पास सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और आप समझिए जिसके पास बाजार है आज वही एक तरह से सक्सेस है। समझ रहे हैं आप लोग? तो लेकिन इन दोनों में देखिए आप लोग कि लद्दाख के मामले को ले लीजिए, फिर चाहे अरुणाचल प्रदेश के मामले को ले लीजिए, ये दोनों एक फ्रंट पर आ ही नहीं रहे हैं देश। ठीक है, दूसरा एक याद रखिए कि हमारे पास युवा जनसंख्या सबसे ज्यादा है सभी देशों में। अगर हम उसे संसाधन में, मानव संसाधन में बदल दें तो उसका फायदा हम लोग उठा सकते हैं।
एक तरह से आप समझिए कि हमारे यहाँ अभी युवा जनसंख्या, कहने का मतलब काम करने योग्य जनसंख्या, सबसे ज्यादा है, उसका प्रतिशत सबसे ज्यादा है, समझ रहे हैं? अगर आप सोचिए कि इन्हें हम लोगों ने मानव संसाधन में नहीं बदल पाए, इन्हें एक तरह से रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाए, इनका हम लोग एक तरह से उपयोग नहीं कर पाए, तो यही हमारे लिए क्या हो गए, अभिशाप भी बन सकते हैं। ठीक है, आगे मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र में भारत सरकार के उद्योगों से काफी ध्यान आकर्षित किया गया है और भारत द्वारा उन्नत विनिर्माण के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार कर रहा है जो विनिर्माण उत्पादन के योगदान को बढ़ाने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक होगा। उद्योग 4.0 की शुरुआत के लिए रूपरेखा पर विचार किया जा रहा है जिसमें आधुनिक सामग्री सहित उन्नत सामग्री, उन्नत रोबोटिक्स, 3D पेंटिंग सहित अन्य चीजों के लिए जबरदस्त प्रोत्साहन भी होगा। आप देखेंगे 2014 से जब से नई गवर्नमेंट आई हुई है, एक कुछ ज्यादा ही एक तरह से आप समझिए कि औद्योगिक क्रांति पर ध्यान दे रही है। डिजिटल इंडिया को देख लीजिए, मेक इन इंडिया को देख लीजिए, आप लोग देखिए नई जो शिक्षा नीति आई है उसमें भी आप लोगों को वो एक तरह से तथ्य शामिल किए गए हैं। अगर सक्सेस होती है, सफल होती है, तो आप सोचिए हमारे भारत को बहुत आगे ले जाएगी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, समझ रहे हैं? इसमें बोर्ड शामिल किए गए, आप सब तकनीकी शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। उद्योग 4.0 में विनिर्माण उद्योगी प्रौद्योगिकी, साइबर भौतिक प्रणाली, चीजों के इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग और बहुत कुछ में स्वचालन और डेटा विनिमय विनिमय के आगामी रुझान सहित इसके कई पहलू भी हैं। उद्योग के संयोजन के लिए नया मूल तंत्र और मौजूदा इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT प्रौद्योगिकी पर देश में काम किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी में भारत की ताकत और IT पेशेवरों के एक बड़े कार्यबल पर बैंकिंग उद्योग 4.0 के माध्यम से विनिर्माण की परिवर्तनकारी यात्रा देश में पहले ही शुरू हो चुकी है। भारत सरकार के स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत पूरे भारत में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की परियोजना को उद्योग 4.0 पर्यावरण के अग्रदूत के रूप में देखा जा रहा है। आप समझिए 100+ आपकी स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जा रही है। इसके अतिरिक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बोइंग कंपनी, बॉयस से बीज फंडिंग के साथ बेंगलोर में भारत का पहला स्मार्ट कारखाना बना रहा है। एक जर्मन ऑटो पार्ट्स निर्माता 2018 तक भारत में अपने 15 केंद्रों पर स्मार्ट विनिर्माण का कार्यान्वयन शुरू कर देगा। विशाखापट्टनम पार्टनरशिप समिट 2017 में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के सचिव ने औद्योगिक क्रांति 4.0 पर विशेष ध्यान भी दिया है। यहाँ आप लोग देख लीजिए, यहाँ दो हजार तेईस तक होगा शायद, ठीक है, क्योंकि 2018 तो निकल गया है ना, जो ये लिखता है आर्टिकल ये पता है, इसीलिए कुछ कुछ इसमें पॉइंट गायब भी हो जाते हैं। आप लोग देखते हैं इस मामले में, आप देखते हैं दृष्टि के आर्टिकल बहुत बढ़िया लिखे जाते हैं, समझ रहे हैं? निसंदेह वर्तमान वैश्विक व्यवस्था को परिवर्तित करने में औद्योगिक क्रांति 4.0 एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऐसे में विश्व नेतृत्वकर्ता बनने हेतु भारत को भी प्रयासरत होने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि यह भी औद्योगिक क्रांति 4.0 के नैतिक पहलुओं पर अभी तक संशय है। वैश्विक समुदाय को औद्योगिक क्रांति की रणनीतियों को इस प्रकार बनाना होगा कि जिससे मानव कल्याण के लक्ष्य को पूरा पूर्ण किया जा सके। तो ये सामान्य अध्ययन आपका प्रश्न पत्र जो सेकेंड और थर्ड है ना, इसी से संबंधित है, अंतरराष्ट्रीय संबंध तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समझ रहे हैं? और प्रीलिम्स में तो आपका पूछता ही रहता है। तो ये थी औद्योगिक क्रांति, चतुर्थ औद्योगिक क्रांति, या कह सकते हैं आप लोग कि औद्योगिक क्रांति 4.0 या 4.0, ठीक है? एक तरह से आप शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, इनमें मेन मेन जो आपके पॉइंट हैं, जो तथ्य हैं, एक तरह से उन्हें लिख लीजिए। मुझे लगता है एक पेज में आपका आराम से पॉइंट लिख जाएंगे एक तरह, और आप जब भी आंसर लिखने की बारी आती है, जब भी आप मेंस लिखने के लिए बैठते हैं, उस समय आप इन पॉइंटों को यूज कर पूरा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है? तो यही तो एक तरह से आप ही शॉर्ट नोट्स की कला होती है कि पूरा आर्टिकल आपने देखा, उसमें से 15 से 20 आप लोग शब्द पकड़िए और उन्हें अपने एक नोटबुक में शामिल कर लीजिए, और बाद में आंसर आता है लिखने के लिए तो आप पूरा भर दीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है?